हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डिशवाशर का क्लीनिंग। तो डिशवाशर का क्लीनिंग मैं एवरी मंथ कैसे करती हूँ, कैसे उसके फिल्टर को क्लीन करती हूँ, उसके ब्लेड को क्लीन करती हूँ, मैं वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ डिशवाशर को कैसे लोड और अनलोड करते हैं, उसमें कौन कौन सा टिकिया, कौन सा टैप, कौन सा रिंसेट और सॉल्ट का यूज कैसे करते हैं, वो सब भी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे वीडियो को एंड तक देखें। अगर हमारा वीडियो किसी भी रीजन पे आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए और सबसे पहले वीडियो को आप लोग वॉच कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिशवाशर का क्लीनिंग। चलिए अब डिशवाशर को खोला जाए। ये हमारा डिशवाशर है, इसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए इसके नीचे के पहले बास्केट को हटाते हैं। ये हमारा फिल्टर है, तो ऐसे इसको फिल्टर को निकालना है हमें। ये देख सकते हैं इसमें कितनी सारी गंदगी। ये हमारा फिल्टर है, इसको पहले निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, इसमें फिल्टर के भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसको पहले निकाल के रख देते हैं, उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। और इसको भी साथ साथ निकाल लेते हैं। ये हमारा ब्लेड है, जिसे जो हमारा बर्तन क्लीन होता है इससे पानी आता है। तो ये भी हमारा जो खाने का फूड वगैरह इसमें आ जाता है, इससे क्या होता है ब्लॉक हो जाता है, तो इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये ऊपर वाले को भी निकाल लेते हैं। अब चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले एरिया भी हमारे क्या होते हैं, जब हम बर्तन को डालते हैं, जब भी कुछ चाय वगैरह वाला कोई भी बर्तन फूड वगैरह हम लोग उल्टा करके डालते हैं, तो जो वो नीचे गिरता है तो उससे क्या होता है हमारा कॉर्नर भी पूरा ये इस पे लग जाता है, तो ये भी पूरा गंदगी हो गया है, तो इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ इसके साइड वाले भी सेक्शन पूरा हमारा गंदा है, तो सबको भी क्लीन करना है। तो चलिए पहले फिल्टर वाले पार्ट को हम क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए विनेगर और सोडा का यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, इससे सबसे अच्छा से क्लीन होता है। उसके बाद हम दूसरी बार सेकेंड टाइम उसके बाद ये लिक्विड से क्लीन करेंगे, ये वाली लिक्विड से क्लीन करेंगे। तो चलते हैं पहले बेकिंग सोडा और विनेगर से क्लीन करते हैं। इससे हमारा डिशवाशर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन होता है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर लिए हैं, इसको डाल देते हैं। जब भी आप बर्तन को डाल के डिशवाशर में क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप विनेगर का यूज कर देंगे तो इससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी रहेगी वो हमेशा हमारा डिशवाशर क्लीन होते रहेगा, स्मेल नहीं करेगा। ये फायदे हैं विनेगर का। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर। जैसा कि देख रहे हैं हमारा 1 मिनट हो चुका है, अब इसको क्लीन करते हैं। बेकिंग सोडा और विनेगर काम करता है, जितने भी बैड स्मेल आते हैं उस सारे को क्लीन करते हैं, उसको दूर करता है। इसीलिए बेकिंग सोडा के साथ विनेगर का यूज जरूर करें, तो जितने भी बैड स्मेल आते हैं वो नहीं आएंगे। जब भी आप बर्तन को लोड करें थोड़ा सा 1 स्पून विनेगर का यूज जरूर करें। ये भी हमारा फिल्टर भी है, इसको पूरे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ये देखिए, ये सारे फिल्टर के अंदर भी जा चुके हैं। और इस कॉर्नर को भी इसी तरह से, ये देखिए, इस कॉर्नर को भी हमें इस तरह ब्रश से इसको क्लीन करना है। ये देखिए, जब हम बर्तन को डालते हैं तो उससे जितनी गंदगी होती है वो कॉर्नर में भी जमा होते जाता है। ये हमारा क्लीन हो चुका है अच्छे से। इसको भी साइड में, ये भी है, ये देखिए ये कितना गंदा हो जाता है, इसको भी क्लीन करते रहना चाहिए खोल के।
और इसका यूज मैं बाद में बताऊंगी क्या करते हैं इसमें। कॉर्नर में भी इसी तरह से पूरा साइड साइड हमें क्लीन करना है, और इसी ब्रश की सहायता से अंदर के पार्ट को भी क्लीन करना है जो फिल्टर के अंदर है।
ये देखिए हम इसको डिशवाशर में सर लिक्विड डाल के एम्प्टी क्लीन कर रहे हैं, कोई भी बर्तन नहीं है इसके अंदर। तो एक बार मैं इसे बस पानी से वॉश कर रही हूँ और नीचे जो लाइट जल रहा है इसका मतलब है कि हमारा डिशवाशर ऑन है। तो चलिए ये जब क्लीन हो जाता है तो फिर हम इसको निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। डिशवाशर हमारा क्लीन हो रहा है तो उससे पहले दिखाते हैं डिशवाशर में जब हम बर्तन डालने से पहले इसमें डिशवाशर में हम क्या क्या डालते हैं, क्या क्या यूज करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करने वाले। ये हमारा है सॉल्ट, ये देखिए इस टाइप के होते हैं। कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का आप सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से बर्तन के आते हैं सॉल्ट। और ये है हमारा रिनसेट, ये फिनिश का है। ये आपका जो भी ग्लास का चीज है जो आइटम है उसको ये पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है और साइन लाता है। ये ग्लास वगैरह में साइन का काम करता है, ये देखिए ये पूरा साइनिंग का काम करता है। तो यहाँ ये रिन सेट है, हम फिनिश का यूज करते हैं। और यहाँ पे है एक टैब, तो मैं यहाँ पे आप चाहें तो इसका पाउडर भी आता है डिशवाशर का, तो मैं इसका टैब ही यूज करती हूँ। तो मैं दो तीन तरह का टैब यूज करती हूँ, डेंक मीट का, डोमोल का और समटाइम कभी कभी फिनिश का भी टैब यूज करती हूँ। डिपेंड करता है कि कौन सा टैब हमको अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं चेंज करते रहती हूँ। एक मंथ पे दो मंथ पे यहाँ पे टैब का यूज करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। हमारा डिशवाशर बंद हो चुका है, दिखाते हैं। वॉश हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए डिशवाशर हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, उसका फिल्टर भी क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। अब चलते हैं डिशवाशर को लोड और अनलोड करने में। सब उससे पहले डिशवाशर को लोड अनलोड करने से पहले उसमें क्या क्या डालेंगे, क्या क्या, कौन सा टैब यूज करना है, टैब कहाँ यूज करना है, रिन सेट कहाँ यूज करना है, सॉल्ट कहाँ यूज करना है, ये सब दिखाते हैं आप लोग के साथ, आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद इसमें बर्तन को लोड करेंगे, कैसे लोड करते हैं वो भी आपको लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको लिक्विड वगैरह कहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले ये वाले सेक्शन में आते हैं, ये हमारा सॉल्ट, इसमें हम सॉल्ट डालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट डालने से पहले आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सॉल्ट खत्म हो गया है और आपका रिनसेट जो लिक्विड डालते हैं साइनिंग के लिए वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है, लाल रेड इंडिकेटर जल रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारा सॉल्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और यहाँ पे हमारा लिक्विड रेड जल रहा है, तो ये लिक्विड भी हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये दोनों बटन अगर आपका रेड हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये दोनों खाली हो चुका है, इसको रिफिल करना है। तो अभी हमारा ये दोनों खाली है, तो चलिए आप लोग के साथ इसको रिफिल करते हैं। तो सॉल्ट को रिफिल करते हैं, रिनसेट को रिफिल करते हैं और फिर प्रोसेस बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। तो इसके थ्रू ही हम जान सकते हैं कि कब हमारा रिनसेट खत्म हो गया, कब हमको सॉल्ट डालना है, कब रिनसेट डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्ट डालने में। जैसा कि हम आपको दिखाए कि सॉल्ट हमारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो हम इसमें इसको ओपन करेंगे और इसमें हमारा सॉल्ट जाएगा। तो सॉल्ट जैसा कि ये दिखाएं, ये हमारा सॉल्ट इसमें जाएगा। तो चलिए सॉल्ट डालते हैं। तो ये अभी और फिल होगा, एक बार दे चुके हैं एक बार और देते हैं, क्योंकि इसमें जब तक जगह भरे नहीं, फिल नहीं हो तब तक डालते रहना चाहिए। चलिए ये हमारा फिल हो चुका है, तो इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं रिनसेट कहाँ डालना है। तो ये वाला सेक्शन हमारा रिनसेट का है, जो साइनिंग वाला डालते हैं तो इसमें डालते हैं। और यहाँ पे ये हमारा टैब है टिकिया डालने के लिए, यहाँ पे टिकिया डाल सकते हैं या फिर आपको लिक्विड सर्फ वाले आते हैं तो उसमें मेजर दिया हुआ है कि 25 और 15 कितना आप मेजर करके डाल सकते हैं। तो ये आपका पाउडर के लिए है, पाउडर और टिकिया दोनों इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिक्विड का यूज करेंगे, आराम से 1-2 वीक चल जाता है फुल भरा हुआ। उसके बाद अगर आपका खत्म होगा तो इंडिकेटर दिखा देगा कि आपका ये खत्म हो चुका है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। ये आपके जितने भी बर्तन है सब में साइन लाता है, स्पेशली ग्लास के बर्तन में ज्यादा लाता है ये। और ये हमारा फुल हो चुका है, चलिए इसको क्लोज कर दिया जाए। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टैप।
देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टैप। चलिए ये हो गया, अब इसको यहाँ पे इसको डाल दिया जाए। तो चलिए सब कुछ लिक्विड वगैरह कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है लोड करने का। इसमें अब हम बर्तन लोड करेंगे। इसमें सभी तरह के बर्तन धो सकते हैं सिवाय एल्युमिनियम, जैसे कुकर वगैरह है या फिर कांसा का बर्तन है, कुकर है आपका, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बर्तन क्लीन नहीं करते हैं, कुकर भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, बट मैं कुकर डाल देती हूँ। जब मैं टिकिया चेंज करती हूँ तो उसमें जो टिकिया मेरे कुकर को अच्छा क्लीन करता है फिर मैं उसको उसे धोती हूँ। तो मैं कुकर भी डालती हूँ, कभी कभी काला हो जाता है किसी टिकिया की वजह से, अदरवाइज वो क्लीन कर देता है। और इसमें नॉनस्टिक के बर्तन ना आप नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं डालें, क्योंकि नॉनस्टिक के बर्तन क्या होते हैं, एक दो राउंड तो बहुत अच्छे से चलते हैं, उसके बाद एक दो बार अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, फिर वो क्या होता है आपका नॉनस्टिक खराब होने लगता है। तो नॉनस्टिक बिल्कुल ही ना डालें इसमें। और रहा चाय के बर्तन, चाय के बर्तन अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो थोड़े बहुत उसमें रह जाते हैं, वो अच्छे से उतने अच्छे से क्लीन नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा उसको स्क्रब करके डाल दें तो आपके चाय के बर्तन को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। बर्तन अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं सारे बर्तन, और ड्राई भी हो जाते हैं, तो फिर आपको पोंछने की जरूरत नहीं, आराम से उसको रख सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं लोड करने के प्रोसेस में।